हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर से जुड़े कुछ जरूरी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर होगा बोन मैरो में, मतलब अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल को हम और क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण को और क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एरिथ्रोसाइट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। फिर है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह मतलब यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप ओ। फिर मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या होती है? ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, स्प्लीन को हम ब्लड ब्लैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है? तो माउथ, मुंह से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा यानी लीवर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए संचित होता है यकृत में। विटामिन ए यकृत में संचित इकट्ठा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होती है? लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पसलियां की संख्या कितनी होती है मतलब रिब्स कितनी होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि एक नवजात शिशु में 270 से 300 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। शरीर में मसल्स 639 होते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? टाइलिन। जो हमारे लार में पाया जाता है उसे टाइलिन कहते हैं। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य में सॉरी शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गेन वो होता है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 22। शरीर में एमिनो एसिड की संख्या 22 होती है। शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है किस जगह पे? वो पैरों में पाई जाती है। मनुष्य में टीबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है कौन? प्लेटलेट्स। रुधिर को जो थक्का जमता है वो प्लेटलेट की सहायता से होता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित क्या होता है? फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन। हम श्वसन के दौरान सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस अपने शरीर के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित जीवाश्म कौन होता है? साइकस। एबेंडेंट गैस कौन होते हैं? साइकस।
मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता नामक रोग होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? लीवर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? स्प्लीन। नेक्स्ट, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। मानव शरीर में खून किसके उपस्थित के कारण नहीं जमता? हीपेरिन के कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान कहा जाता है? प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरूविक अम्ल का होता है, पाइरूविक एसिड का। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत मतलब लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? वृक्कों में। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।